रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मशहूर उद्योगपति व इस्कॉन के चेयरमैन लक्ष्मेंद्र खुराना के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देने हेतु मित्र एवं भारी संख्या में शुभचिंतक पहुंचे। इस मौके पर लक्ष्मेंद्र खुराना मीडिया के साथ बातचीत में मुंबई एवं देश की वर्तमान राजनीति पर खुलकर अपनी राय दी। पेश है मुंबई से हमारी खास खबर। आज मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा, बताइए एक ऐसी चीज बताऊंगा। कल आदरणीय केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट आरपीआई के नड्डा जी से मिले और अपनी स्थिति बताई कि आरपीआई कैसे बढ़ रही है। नागालैंड में अभी हमारे 2 एमएलए बने हैं और सब जगह आरपीआई का अठावले जी का आधार बढ़ रहा है। तो उन्होंने उनसे मांग की है और उससे वो सहमत भी हुए हैं, सकारात्मक संकेत भी दिए हैं कि जितने कुछ कमेटियाँ हैं केंद्र में, राज्य में, महाराष्ट्र में और सब जगह के उन आयोग भी हैं कि उनमें हमें हमारे हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो वो उनको दिया जाए, तो उन्होंने सकारात्मक संकेत दिए हैं उसके। मनपा चुनाव आ रहा है मुंबई में, इसको लेकर आरपीआई के नेताओं की मांग है कि यहाँ पे उप महापौर पद आरपीआई को मिले। ये मांग नहीं है हमारी, ये अभी 2 महीने पहले चुनाव अट्टी पे आरपीआई का जो हमारा एक सम्मेलन हुआ तो उनमें आदरणीय हमारे मंत्री जी मंगल प्रभात लोढ़ा जी, आशीष शेलार जी सरकार की तरफ से अनाउंस करके गए हैं कि आने वाला जो बीएमसी का इलेक्शन होगा उसमें हमने उप महापौर आरपीआई को देना है, डिक्लेयर किया, चूँकि उसमें मुख्यमंत्री शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब आने वाले थे, वो अचानक से उन्हें अयोध्या जाना पड़ा, तो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी और आशीष शेलार जी ने हमारी संख्या बल देख के कि आरपीआई कितनी बढ़ रही है और शहर स्वीकार किया कि आदरणीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले जी उनका कितना आधार बढ़ रहा है। उनको ये मालूम हो गया कि बिना आरपीआई के कहीं भी जो हमारी वोट हैं, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया जिसके भी ऊपर हमारी पार्टी बेस है, अपनी मर्जी से खुशी से डिक्लेयर करके गए हैं कि महापौर आरपीआई अठावले जी का होगा। शिवसेना टूट के आ गई बीजेपी के साथ में आज, और एनसीपी आधा टूट के आ गई एनसीपी इसके साथ में, बीजेपी के साथ में, ऐसे में आरपीआई का महत्व कम हो गया ऐसा कहा जा रहा है, आपकी क्या? देखिए आरपीआई का महत्व तो कभी कम होने वाला नहीं है। जैसे जैसे लोगों की समझ में आ रहा है संविधान निर्माता कौन है, बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनका आधार कभी कम होने वाला है क्या? सब उनकी जय जयकार कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। और हमारे आदरणीय अठावले जी जो है ना, वो जन जन के नेता हैं, वो दलितों के नेता हैं, वो गरीब आदमी के साथ साथ अभी जो सोशल इंजीनियरिंग चल रही है, एक ऐसे इंसान मैंने पहली बार देखा है और मुझे ये कहने में एक गर्व होता है कि मैं एक ऐसे शेर के साथ काम कर रहा हूँ। उनका आधार बढ़ता ही रहेगा। और उनके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ,
जहाँ अठावले जी होते हैं वही पार्टी आती है, ये आप पिछले 20-30 साल से देख सकते हो, उनका आधार बढ़ता ही जा रहा है। इस काम के माध्यम से भी आप जुड़े हैं, काफी सेवा कर रहे हैं, जरा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह से समाज कार्य चल रहा है। देखिए समाज कार्य, एक अठावले जी ऐसे इंसान है 24 घंटे उपलब्ध है, पब्लिक के बीच में बैठते हैं, दूसरे नेता तो कभी कभी दरबार लगाते हैं, अठावले साहब तो घिरे रहते हैं जनमानस से और तुरंत वहीं पे काम करते हैं, उनका आधार कम होने का सवाल ही नहीं, बढ़ता ही जा रहा है। और ये क्वेश्चन तो आपने ऐसा पूछ लिया कि वो जुड़ गए दूसरे जुड़ गए, अठावले साहब तो सदा बाहर हैं, कोई सताए हमें बताए। आज आपका जन्मदिन है, इस्कॉन मंदिर से भी आप जुड़े हुए हैं, किस तरह से समाज कार्य सेवा कार्य आपके चल रहे हैं, जरा उसको बताइए। देखिए इस्कॉन, मैं कहना चाहूँगा कि शायद इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है, हमारे लगभग 1000 मंदिर बन चुके हैं, हर साल 100 नए मंदिर बन जाते हैं खाली मुंबई में, अभी हमारे 5 मंदिर हैं, छठा और बन रहा है, 13 लाख बच्चों को प्रतिदिन खाना खिलाया जाता है, करवाती सरकार है हमारे से, पर शुद्धता, और उसमें हम किसी जाति पाति किसी से संबंध नहीं रखते। इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसीशन, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं, देखो उसका चेयरमैन तो कृष्ण भगवान है, हम लोग तो कमेटी के चेयरमैन हैं, और पूरे हिंदुस्तान में लगभग 8 करोड़ लोगों को प्रतिदिन इस्कॉन की तरफ से निःशुल्क भोजन जाता है। तो इस्कॉन तो अपने आप में सारी दुनिया को पता है कि क्या कर रहा है, इससे ज़्यादा खाना 8 करोड़ लोगों को प्रतिदिन निःशुल्क खाना इस्कॉन की तरफ से जाता है। किशोर जी एक आपसे सवाल है, अभी NDA वर्सेस इंडिया एक नया समीकरण बन रहा है, इस पर आप भी राष्ट्र जुड़े हुए RPI से, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मतलब क्या NDA को जो इंडिया नया बना हुआ है गठबंधन उससे फर्क पड़ेगा? देखिए ये एक मेरे हिसाब से इंडिया नाम रखना, इंडिया के मीनिंग क्या है, जो ये विपक्षी लोग जुड़े हैं मेरे हिसाब से तो उन्होंने बहुत गलत किया है, कल को जब वो हारेंगे 100% हारेंगे तो क्या ये मैसेज गलत नहीं जाएगा कि इंडिया हार रहा है? दरअसल क्या है कि इंडिया रखने से पूरा इंडिया का समावेश उस विपक्ष में समाहित नहीं हो जाता है, क्योंकि इंडिया अभी समझो हम NDA में हैं तो हम विपक्ष के जो विचारधारा है उससे सहमत नहीं है तो क्या हम इंडिया विरोधी हो गए? इंडिया विरोधी तो नहीं हो सकते ना, कल को उसमें एक से एक बड़ा घोटालेबाज है इस इंडिया में, मैं उस इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, i.n.india जो उसने किया है .. इसका फुल फॉर्म अलग है, सारी चीज़ रुकूंगा, तो इसका जो मामला है ये देखो कितने बड़े बड़े घोटाले इन इंडिया वालों ने किए, घोटाला सत्यम घोटाला आदर्श घोटाला कोयला घोटाला पता नहीं कितने सारे घोटाले। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि मैंने इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी की है, मैंने बाकायदा मेल किया है कि ये जो नाम है ये बैन होना चाहिए, क्योंकि कल को आप खुद मीडिया से हैं, कल को अगर विपक्ष हारता है, हारने ही वाला है, तो आप क्या हेडिंग दोगे, इंडिया हार गया, इंडिया की शर्मनाक हार, इस तरह के शब्द अगर लेंगे क्या आपको ऐसे महसूस नहीं होगा? वैसे भी 1950 एक एम्ब्लेम जो एक एक्ट है उसके तहत आप इंडिया का शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, या तो उसके आगे आप शब्द जोड़ सकते हो या पीछे जोड़ सकते हो, कानून है, और आप इंडिया का नाम इस्तेमाल करो एक निजी स्वार्थ के लिए, तो ये नाम हमको इसमें आपत्ति है, मैं आप उसको कॉपी भी दूंगा, इसके खिलाफ हम लोगों ने कंप्लेंट की है, और ये नाम बहुत ही गलत है, इनको इस तरह से निजी स्वार्थ के लिए लोगों को भ्रमित करने के लिए नाम नहीं रखना चाहिए। अभी आपने जो पूछा उनका इंडिया का, ये एक जैसे हतोत्साहित हो जाता आदमी, सारे घोटालेबाज इकट्ठे हुए हैं, आज हमारे साथ में NDA के साथ में शिवसेना टूट के एकनाथ शिंदे जी आ गए, एंड ये शरद पवार जी के पार्टी टूट के अजीत पवार जी आ गए, तो NDA कितना मजबूत हो रहा है, आने वाले टाइम में कंपटीशन कहां पर है? लेकिन सर आठवले साहब भी देखा हूं, जब भी पार्टी हिंदुजीश की सरकार होती है वहीं चले जाते हैं, मैं अक्सर देखा हूं फिर सरकार कांग्रेस की होती है तो वहां चले जाते हैं, जहां अठावले जी होते हैं वही सरकार जीतती है, जहां सरकार होती है वहां अठावले साहब नहीं जाते, जहां अठावले साहब होते हैं वहां सरकार जीतती है, आप इतिहास देखिए। सर एक क्वेश्चन और, सर जिस प्रकार से आपकी काफी नेताओं से मुलाकात हुई, आपने रिपब्लिक पार्टी क्यों ही चुना और क्यों पार्टी को नहीं चुना? देखिए रिपब्लिक पार्टी, मैं एक किसान रहा हूँ उसके साथ में मजदूर भी रहा हूँ, किसान मजदूर का दर्द हम जानते हैं,
रिपब्लिकन पार्टी गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, जरूरतमंदों की पार्टी है। अभी हम इसमें सोशल इंजीनियरिंग में बड़े भी लोग साथ में आ गए सोशल इंजीनियरिंग। मैं स्टार्टिंग से 40 साल से ही इसी चीज़ में हूँ। मैं 2009 में इलेक्शन भी लड़ा यहाँ पर मुंबई नॉर्थ से। तो एक मैं बिजनेसमैन जरूर हूँ, पर मैं एक दलित से, एक दबे कुचले से, मजदूर से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने खुद मजदूरी किया है, किसान किया है। एक रिपब्लिकन पार्टी ऐसी है, बाबा जी ने संविधान में बताया हमारा अधिकार क्या है, हमें करना क्या है। आज बिना बाबा साहब के कोई भी पार्टी ले लो, किसी भी, उनके बिना नाम लिए, बिना उनको नमस्कार किए जीत नहीं सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। और सर एक दूसरी तरफ जो है, पाकिस्तान से एक लड़की आई है जिसका नाम है सीमा हैदर, जो कि हिंदुस्तान में आई है प्रेम की जाल में फंस के, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए ये एक जांच का विषय है, उसकी पूरी जांच ये अभी सब सामने आ जाएगा। मुझे तो ऐसे ही लगता है कोई वो जासूस है और उसे जैसे स्मार्ट तरीके से वो बता रही है। कोई भी आदमी दो आधार, चार आधार कार्ड, 10 सिम, दो चार पासपोर्ट रखेगा तो इसमें तो मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं फ्रॉड ही आदमी करेगा दो पासपोर्ट रखने। सर आपको काफ़ी पार्टियों ने ऑफर भी दिया कि हमारे पार्टियों में आ जाओ, और जिस प्रकार से 40 साल से आप रिपब्लिक पार्टी में जुड़े हुए हैं, क्या ऐसा लगता है कि रिपब्लिक में, इस पार्टी में ऐसा क्या ऐसा हमें मिलेगा कि जिस प्रकार से हम रिपब्लिक पार्टी से जुड़े थे? हम लोग अवसरवादी नहीं हैं, हम लोग बाबा साहब के मिशन को बढ़ा रहे हैं। आज अठावले साहब एक ऐसे शेर हैं जिनका आधार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अभी आप देख लीजिए नागालैंड में क्या हुआ, अभी और जगह क्या हुआ, सब जगह। आप बाबा साहब के बिना, जो बाबा साहब ने हमें बताया है कि संविधान क्या है, हमारा अधिकार क्या है, तो हम लोग दिल से जुड़े हुए हैं। हम लोग कोई अवसरवादी किसी पार्टी में, हम लोग सेवा वाले लोग हैं। चुनाव लड़ेंगे सर? चुनाव लड़ने का तो जो आदेश पार्टी का होगा, जहाँ ज़रूरत होगी, बिना चुनाव के भी नहीं रहा जा सकता। लड़ने में कोई कुछ ऐसी सोच नहीं है, अभी ये समय बताएगा जो पार्टी आ जाती है। ओके सर, थैंक यू सो मच।